पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार, फेसबुक पर लिखा हम बदलेंगे भी और बदला भी लेंगे। दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट में टीएमसी और सीएम ममता को दी चेतावनी, लिखा उतना ही मारो जितना हम कर सके बर्दाश्त। 2011 में ममता बैनर्जी ने दिया था स्लोगन बदला नहीं हम बदलेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सायंतन बसु ने भी दी धमकी, कहा एक मारोगे तो चार मारेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, सूत्रों से मिली खबर। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बंगाल के हालात को बताया चिंताजनक, थोड़ी देर बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल, 19 और 20 दिसंबर को होगा दौरा। अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ममता परिवार, कहा बीजेपी के हौसले से घबराई है ममता, गुंडागर्दी पर उतरी टीएमसी। दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया, बंग भवन के बाहर सीएम ममता के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कंगना रनौत का गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर पलटवार, ट्वीट में कहा विरोध से पहले नए कानून के बारे में जानो। कंगना ने कृषि कानून पर पीएम मोदी की अपील वाली यूट्यूब क्लिप को साझा किया। सिंघू बॉर्डर पर 16वें दिन भी डटे किसान, नया कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। किसानों की सरकार को दो टूक, नियत में खोट, इसलिए प्रस्ताव नहीं मंजूर। किसानों से कृषि मंत्री की अपील, सरकार के प्रस्ताव पर फिर से करें विचार। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है वक्त, पैनल ने मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 97,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 414 की गई जान, 1,42,000 से ज्यादा की हो चुकी है अब तक मौत। दिल्ली में 6,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में करीब 1,600 नए मामले, 61 की मौत। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले, 18,64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कपड़े के शोरूम में घुसी पुलिस की बेकाबू कार, बार बार बचे दुकानदार। फतेहाबाद में सामने आया एक किसान का बेरहम चेहरा, गन्ना तोड़ने पर 10 साल के बच्चे को बांधकर पीटा। प्रेम प्रसंग के मामले में भीड़ ने एक युवक को कराई उठक बैठक, तमाशा देखती रही पुलिस। मनचले ने घर में घुसकर चलाई गोली, गंभीर रूप से जख्मी महिला। युवक गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था मृतक।